हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज हम एक और मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं और ये मेडिसिन आपने कभी न कभी यूज तो किया ही हुआ होगा। ये जो मेडिसिन है वह है नॉरफ्लॉक्स टीजेड। नॉरफ्लॉक्स टीजेड एक एंटीबायोटिक का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और इसका यूज अलग अलग तरीकों को ठीक करने के लिए करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस इसका यूज लूज मोशन को कंट्रोल करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कम करने के लिए और कभी कभी किसी स्पेसिफिक तरीके से जो इन्फेक्शन होते हैं जेनाइटल पार्ट में, वजाइनल पार्ट में, तो उनके इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए यूज करते हैं। मोटा मोटा यूज इसका यही है कि ये आपके इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं, उनको कंप्लीट किल करने का काम करते हैं। कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से या किसी की देखा देखी ना लें। हर एक व्यक्ति का कंडीशन इंडिविजुअल बेसिस पे अलग अलग होता है, कारण अलग अलग होते हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। हमारा मकसद केवल आपको इन्फॉर्मेशन देना है इनके काम करने के तरीके के बारे में। ये जो आपका नॉरफ्लॉक्सिन जिसका ये जो आपका नॉरफ्लॉक्स टीजेड है, इसके मेन कंटेंट कौन कौन से हैं? इसके जो मेन कंटेंट है वह है नॉरफ्लॉक्सासिन और दूसरा है आपका टिनिडाजोल। नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके बॉडी में लूज मोशन या कोई भी अदर इन्फेक्शन को रोकने के लिए। यहाँ पे जो नॉरफ्लॉक्सासिन है वो एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है और यहाँ पे जो आपका टिनिडाजोल है वो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग का एग्जाम्पल है। एंटीबायोटिक कहने का मतलब होता है ऐसे ड्रग जिनको हम किसी न किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म से यूज करने के लिए निकालते हैं और उसका यूज खुद माइक्रोऑर्गेनिज्म के जो गलत इफेक्ट होते हैं उनको रोकने के लिए किया जाता है। सो जो नॉरफ्लॉक्सासिन है ये आपके क्विनोन या फ्लोरोक्विनोन के डिग्री को बिलोंग करते हैं। क्विनोन फ्लोरोक्विनोन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे ऑलरेडी डाला हुआ है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्लोरोक्विनोलिन एंटीबायोटिक का ऐसा क्लास है जिसमें हमारे जो ड्रग होते हैं जिसके एग्जांपल के रूप में आज आप यहां पर देख रहे हैं नॉरफ्लॉक्सासिन, ये आपकी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को इनहिबिट करने का काम करते हैं, यानी कि डीएनए गायरेज को इनहिबिट करने का काम करते हैं। डीएनए गायरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया के अंदर जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाती है उसके डीएनए के रेप्लिकेशन के समय में, इसके कारण से उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए डीएनए गायरेज महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। ये बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट के लिए अच्छा है ना कि हमारे लिए। सो हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया को हम खत्म कर दें तो हमको उस डीएनए गायरेज के फंक्शन को इनहिबिट करना पड़ेगा। उस डीएनए गायरेज का फंक्शन इनहिबिट अगर हो गया तो फिर वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो कॉइल्ड में ही रह जाएगा और इसको मैंने डेमो भी किया हुआ है। तो जब भी कॉइल्ड फॉर्म में रह जाएगा तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेगा और उससे फिर आगे रह करके उसका जो सेल डिविजन है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे और यही हमारे आज के इस ड्रग नॉरफ्लॉक्सासिन के काम करने का तरीका हुआ। वो उस बैक्टीरिया के सुपर कॉइलिंग को रिटेन रखता है, अनकॉइल होने नहीं देता और उससे उसको वो खत्म कर देता है। दूसरा जो हमारा ड्रग है टिनिडाजोल, ये आपके एंटी प्रोटोजोअल ड्रग का एग्जांपल है। ये आपके बॉडी में अमीबासिस की प्रॉब्लम को या फिर किसी तरीके के जो अमीबा के वजह से जो प्रॉब्लम हो रही होगी, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही होगी, इसको खत्म करने का काम करते हैं। ये आपके जो वर्म है वो आपके इंटेस्टाइन पे चिपक गए होते हैं, इनको वो रिलीज करवा करके उनको फीकल मटेरियल बॉडी से बाहर निकालता है ताकि उनकी प्रॉब्लम जो है या उनसे जो प्रॉब्लम हुई है लूज मोशन की वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रहा मेन फंक्शन आपके इस नॉरफ्लॉक्स टीजेड का। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट का कंसंट्रेशन कितना है। इस नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीडाजोल टैबलेट जिसे हम नॉरफ्लॉक्स टीजेड के नाम से जानते हैं, टीजेड का मतलब भी यही है टिनिडाजोल, जो आपके टीजेड को रिप्रेजेंट करता है नॉरफ्लॉक्सासिन में। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेंस, फिल्म कोटेड टैबलेट कहने का मतलब होता है एक ऐसा टैबलेट जिसकी कोटिंग फिल्म के तरीके से की गई होगी। कोटिंग एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसमें हम टैबलेट की इंटेग्रिटी को और उसकी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द कोटिंग के टाइप के हिसाब से उसको आप बिटरनेस को मास्क करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या एसिडिटी वाले स्थान यानी कि आपके स्टमक से बचा करके आपके इंटेस्टाइन में पहुंचाने के लिए करते हैं और यह सब कोटिंग के टाइप पर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर जो आपका नॉरफ्लॉक्सासिन है वह इंडियन फार्माकोपिया के प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाया गया है और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 400 mg है। इसका जो दूसरा मेन कंटेंट है आपका टिनिडाजोल, ये भी इंडियन फार्माकोपिया यानी कि आईपी के प्रिंसिपल को गाइडलाइन को फॉलो करके बनाया गया है और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 600 mg है। यानी कि अगर मैं दोनों में कहूं तो ये एंटी अमीबिक ड्रग के रूप में ज्यादा पावरफुल है, उसके साथ उसकी एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए जो आपका नॉरफ्लॉक्सासिन है एज ए एंटीबायोटिक यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें जो कलर यूज किए गए हैं वह आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड और ये भी इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली है। इसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी सफिशियंट है क्योंकि एक एक्सिपिएंट का एग्जांपल है। एक्सिपिएंट ऐसे एजेंट होते हैं जिनके पास खुद की कोई मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं होती बट वो केवल आपके उस मेडिसिन के बल्क को बढ़ा करके
उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको कलर देने के लिए, उसको फ्लेवर देने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। इसके बाद इनका जो डोज है वो कभी भी आपको मेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है। इसमें आप लाल पट्टी देख रहे हैं, शेड्यूल एच कैटेगरी ड्रग में कभी भी डोज नहीं दिखाई जाती, और अगर आप डोज जानना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके नीचे देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको किस कंडीशन में स्टोर करना है। किसी भी जगह ऐसे निकाल के अपने को फेंकना नहीं है, इसको कूल और ड्राई प्लेस पे रखना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, और ऐसी जगह जहां पे मॉइस्चर आने की संभावना होती है वहां से भी आपको दूर रखना है, यानी कि क्लोज टाइट कंटेनर में आपको इसको रखना है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस डिटेल है वो भी आप इसी स्क्रीन पीछे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्राइस है इस स्ट्रिप के पीछे वो 97 रुपीज़ है, और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो सिप्ला के द्वारा बनाया गया है, यानी कि ये आपका सिप्ला के द्वारा बनाया गया कंपनी का नॉर्फ्लॉक्स टीजेड है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो मेडिसिन रिव्यू है वो समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ बेसिक जानकारी आपको मिली हुई होगी। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।